अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए मैंने कोफ्ते बनाए। आलू कोफ्ते का सालन होता है ना, उसकी ये उसका आज सालन बना रही हूँ। चूल्हा जला दिया, ये देखिए कोफ्ते ये मैंने बना के रखे हैं। थोड़ा सा स्टीम दे लेती हूँ मैं बना के। अब मेथड वही है, प्याज वगैरह डाल के कीमा धो लें अपना जितना हिसाब से बनाया है। प्याज, गरम मसाला, जीरा भुना हुआ, पिसी मिर्चे, हर थोड़ा सा पिसा धनिया, हरी मिर्चे और नारियल, बादाम या काजू भी पीस के लोग डाल देते हैं, बेसन भुना हुआ डालते हैं या चने भुने हुए डालते हैं इसमें। तो मैंने ये सारा मिक्सचर इस तरह बनाया, नमक वगैरह अपने मसाला वगैरह जो ना अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। तेल डाल रही हूँ मैं, तेल मैंने प्याज जो है ना अपनी वो पीस के रखी हुई है, किसी भी प्याज डालती हूँ मैं। और वो क्या नाम के किसी भी प्याज के साथ एक वो टमाटर नहीं होता हरी मिर्चों के साथ, वो पीस के रख लिए। देखिए तेल गरम हो गया है, मैं सबसे पहले लहसुन अदरक डाल दूंगी, वो भून दूंगी जरा इसमें पहले। इसके बाद में प्याज है ना, उसके बाद प्याज में डाल के कर लूंगी। ये देखिए लहसुन अदरक, किसी भी चीज का कच्चापन नहीं रहना चाहिए बस, किसी भी चीज का। हाँ बस ये है कि ये देखें ये कोफ्ते बने हुए, ये स्टीम दे के रखे हुए मैंने। ये प्याज और टमाटर पीस के रखा था मैंने, सामान सारी को भूलने के लिए उसमें लगेगा टाइम थोड़ा सा। कच्ची प्याज है उसको भी लाल थोड़ी सी पिंक करना है किसी प्याज को। चलिए ये तो हो गया लहसुन में, अब इसको करना है। ये थोड़ा सा तेज आँच रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जल्दी करके ना जल्दी करना है। सुनाई क्या हाल है? हालात तो पता ही है आपको, क्या चल रहा है सिलसिला। बस अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक को करिश्मा ही दिखा दे बस, यहाँ इन लोगों से निजात मिल जाए। सबके लिए अल्लाह पाक अच्छा करता है ना, हम लोगों के लिए भी इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। थोड़ी तेज आंच रखी हुई है मैंने कि जरा ये पानी उड़े इसका थोड़ा, फिर वो भुनने पर आ जाएगी ना प्याज तो मुझे सही रहेगा। फिर जब भले थोड़ी सी हल्की कर लें आँच आप, लेकिन अभी इसको पानी उड़ा के इसको भुनने में लाना है। और ये देखें मैंने आलू काटे में एक पाव आलू लिए थे, ये आलू काटे में इसी में डालने के लिए आलू कोफ्ते आलू का सालन। आप रोटी खाएं, पराठे खाएं, चावल खाएं, जो दिल चाहे खाएं।
दवा खा रही थी चाय से, दो तीन दिन से बुखार वखार चल रहा था ना बच्ची को भी मुझे भी बच्चों को भी, दवाएं दवा चल रही है हम लोगों की, बुखार वखार हो जाता है और गर्मी अलग है तो ऊपर से ठंडा वंडा पी लो ना तो वो गले नजला खांसी सब हो जाता है, नहीं पियो तब भी मसले, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है गर्मी में, कभी क्या है कभी क्या है। तकरीबन हो गया पानी खुशक, कलेक्टर वालों ने और दिमाग खराब किया हुआ है, इतनी बिलिंग कर रहे हैं कलेक्टर माफिया है बैठा हुआ लूट रहा है कराची को, सबसे ज्यादा बिलिंग कराची में ही करते हैं ये लोग, कराची में ही करते हैं। मैं तो कह रही हूँ इनके लिए, इनके खिलाफ एहतजाज के लिए करा जाओ और इनका घेराव किया जाए जहाँ जहाँ ऑफिस बने हुए, बिलिंग जो है ना ये सही कराई जाए, जितना खाया पैसा आपको बिल देना भी नहीं चाहिए किसी से, इनको इतना पैसा खाया गरीब तक को नहीं छोड़ा, डेढ़ दो दो लाख बिल बना के दिया है लोगों ने, एक गरीब छोटे से घर में जो वो सिर्फ रेडी लगाता है, इलेक्ट्रिक जो है वो माफिया है और आपको पता है माफिया किसका है, खुद माफिया बैठी हुई है तो फिर वही बात है ना, लोग कैसे सही मिलेंगे वो भी वही है। करे तो फिर क्या करे, लूटने वाले चलो पाकिस्तान को लूटते चल के आओ वहां से पैसा वो ले आते पाकिस्तान को लूट ला के, गर्मी बहुत हो रही है ना, अभी दो महीने की छुट्टियां ले दी हैं लोगों ने जून जुलाई की, आप मुझे बताएं यहाँ पढ़ाई होती क्या है, पुराना कोर्स है पुराना सिलेबस है, क्या पढ़ाई हो रही है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, आप आधी से ज़्यादा देखेंगे बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं गलियों में खेल कूद रहे होते हैं। इमरान खान ने तो पाबंदी कर दी थी, एक तरह से स्कूल खोल दिए थे गरीबों के लिए, बच्चों का काम करना और करना सब कर दिया था, बहुत अच्छे बहुत कुछ कर दिया था कि पढ़ाई पर रुझान हो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जाहिल देना ये लोग तो चाहते ही हैं कि जाहिल लेके तो कौम आगे नहीं बढ़ती जो जहालत में होती है, गुलामी बनती है, फिर वो अल्लाह में नहीं जा रही, अल्लाह इन लोगों को भी लोगों को भी अकल दे कि इनकी पॉलिसी समझते नहीं, आप गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा लें पर पढ़ाई तो सही, कौन सा महंगा कोर्स है, पुराना सिलेबस चल रहा है, पुरानी किताबें हैं, सब कुछ वही है पुराना, नया होना चाहिए क्योंकि अब जदीद जो पढ़ाई आ रही है आगे बहुत मुश्किल होती है, अब यूनिवर्सिटियों में भी देख लें पुराना ही चला है, क्यों भाई इसलिए तो पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे नहीं हैं वहाँ पर, वो पुरानी सोच के लोग बैठे हुए हैं, नए लोगों को मौका दो, नई जनरेशन है उन्हें दो, नया पढ़ाएंगे, नया जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाएंगे, यहाँ अगर नया कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सारा सॉफ्टवेयर जानता है नया तो वो यहाँ काम है ही नहीं नए वालों के लिए, इतनी ख़राब पॉलिसियाँ हैं यहाँ पे बनी हुई, इतना खराब मसला है यहाँ पर, लेकिन प्यास लाल हो रही है, अल्लाह पाक से हमारे मुल्क की हालत अच्छे कर दें बट उसकी पढ़ाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा कर दे तो अच्छा है, पढ़ाई का निज़ाम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए धनिया डाल रही हूँ, ये आप जितना 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 शोरबा रखना ना आप, मैंने तो दो चमचे डाला है, एक चमचा मिर्चे हैं हल्दी है, सारा मिर्च विर्च नहीं खाते, बस थोड़ी सी और डाल देंगे, बस थोड़ा सा और कर दिया, और गर्म मसाला चाहे आखिर में डालें अभी डालें मर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आखिर में डालेंगे, पीसने वाला जो होता है ताज़ा वो होता है कि आप ज़रा आखिर में डाल दें, ये तो पिसा पिसाया होता है ना ज़्यादातर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनना क्योंकि इसका कच्चापन ना रहे तो अच्छा है, कोफ्तों को कोड़ना है ना तो अलग फ्राई पैन में कोड़ के आप डाल दें, जैसे घी में तेल में लाल करते हैं ना फ्राई करते हैं वाला, तो फिर पतीली भी ठंडी हो गई है, मैं इसी में ही कोड़ लूँगी कोफ्तों को, इसी मसाले में ही कोल लूँगी, हल्का हल्का मसाले में ही हो जाएगा सब कुछ,
चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें ताकि वीडियोस मिलते रहें। तो फिर मैं तेल छोड़ दिया है। अब ये टमाटर का पेस्ट है, ये डाल रही हूँ। अब इसके लिए थोड़ा सा वेट जाहिर करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए वेट। अब ये टमाटर का पेस्ट डाला, थोड़ा इसका पानी खुशक होगा, इससे भूलना है। अभी खुशक नहीं हुआ, पानी हो रहा है तकरीबन। थोड़ा सा आखिर में ये जब भून जाएगा ना, एक एक दो चमचे दही डाल दिए, फिर टेस्ट आ जाएगा और खाने में। अभी तो जून जुलाई में छुट्टियां हैं, देखे कितने लोग स्कूल वाले, क्योंकि प्राइवेट वाले स्कूल भी हैं, वो देते हैं नहीं देते हैं छुट्टियां। यूनिवर्सिटी भी हैं प्राइवेट, देती हैं नहीं देती हैं, क्या है जब भी पता चलेगा। कि लड़कियों की भी यूनिवर्सिटी आपको पता है, प्राइवेट भी हैं, लड़कों की भी हैं, सब है हर तरह की। नहीं नहीं, थोड़ा सा और है बाकी, चीटें आ रही हैं, थोड़ी चीटें आ रही हैं। एक चमचे दही डाला है मैंने, ज्यादा नहीं।
ज्यादा खट्टा सालन वालन अच्छा नहीं लगता है, पेस्ट आ गया ये इतना हो जाता है, ये पेस्ट आ जाता है, जरूरत नहीं है खट्टे वट्टे करने को सालन को। जिनको खट्टा खाने की आदत है ना वो भले अल्लाह कर ले, पर मेरे साथ में हर चीज में खट्टा अच्छा नहीं लगता है। पीस पीस के प्याज व्याज डालते हैं टमाटर ताकि सालन में थिकनेस रहे, ठीक है ना, ताकि वो था सालन जो है ना गाढ़ा बने। पहले आलू इसलिए डाल रही हूँ कि जरा आलू गले गलाएंगे, आलू डाल दूंगे अभी पहले, थोड़े आलू गले गलाएंगे, इसलिए आलू को नीचे रखेंगे, कोफ्ते को ऊपर की तरफ ही रखेंगे, ना तो कभी नहीं चलाते हैं इनको वरना टूट काट देंगे। भुनने में आ गया है तकरीबन, घी छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, ये आलू डाल दिया। थोड़ा सा कोफ्ते मैंने ज़्यादातर आधा किलो के बनाए थे, और ये देखिए पानी डाले, आधा किलो बनाए थे, आधा आधे के कोफ्ते कर लिए, आधा मैंने रख दिया है गोले बना के। ओके कभी बना सकते हैं, सही है ना, ओके कभी बना लें। पालक कोफ्ते बनते हैं, पालक कोफ्ते हैं, और भी चीज़ें बनती हैं भाई इसकी। ये हरा धनिया वगैरह ला के थोड़ा सा हो जाएगा ना, ये हरा धनिया काट दिएगा जब बन बना जाए, क्योंकि कोफ्ते बनाए सारे ये गलते गलाते भी हैं, सही है ना, थोड़ा सा कीमा वीमा है ना वो भी गलता है, ऐसे थोड़ी बनते हैं हर चीज़। ये अब उबाल आ जाएगा ना हल्के आके, थोड़े से गले छोड़ दिए। अच्छा प्यारे बस आप लोग सब अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, हमारे बच्चों को भी। अल्लाह हाफिज़।